तो फ्रेंड मैं अभी रूम ले लिया हूँ, तो अभी मैं फ्रेश होने जाऊँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को और भी कुछ बताऊँगा। मैं अपना रूम दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो फ्रेंड ये मेरा बेडशीट देख सकते हैं, ये होटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इसका कॉस्ट मेरे को 1200 रुपये पर दिया है, और ये वॉशरूम हो गया। अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाना चाहूँगा, बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा है। ये होटल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिल्कुल पास में है। तो फ्रेंड मैं फाइनली फ्रेश हो चुका हूँ, अब मेरे को निकलना है, तो चलते हैं। तो फ्रेंड मैं फाइनली राइडिंग के लिए निकल पड़ा हूँ। यहाँ से मेरे को 30 मिनट का रास्ता है। अभी मैं पहाड़गंज एरिया में हूँ। पहाड़गंज से मेरे को न्यू फ्रेंड कॉलोनी जाना है, तो मैं सफ़र का एंजॉय करूँगा और आप लोगों को भी पूरा दिल्ली घुमाने की कोशिश करूँ। पूरा दिल्ली तो नहीं घुमा पाऊँगा, लेकिन जो जितना घूमूंगा वो घुमाऊंगा आप लोगों को भी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। यहाँ से मतलब हैदरपुर कितना दूर पड़ जाएगा? हैदरपुर शालीमार बाग ऐसे तो यूपी का मेरा बहुत सारा फ्रेंड है वहाँ मुंबई में, जौनपुर जिला। कौन सा जगह बताया? कहाँ मतलब मुंबई में? अभी आप क्या पूछ रहे थे? हैदरपुर शालीमार बाग। शालीमार बाग? हाँ, ये महारानी बाग की तरफ पड़ेगा। हाँ ओ भाई, यहाँ पे कितना बड़ा सर्कल है यार, बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, इन्जॉय तो करना ही है। तो आप लोग प्लीज़ बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग है ना इंडिया गेट होकर के जाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, आप लोगों को इंडिया गेट देखने को मिलेगा। मैं पास से तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन रास्ते में आएगा तो मैं आप लोगों को इंडिया गेट दिखाऊंगा। तो फ्रेंड इंडिया गेट आ गया है, आप देख सकते हैं, मैं सामने से भी दिखाऊंगा, कैमरा को बैक करता हूं मैं। तो फ्रेंड मैं अभी आप लोगों को इंडिया गेट सामने से दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग घूमे हैं इंडिया गेट, जो नहीं घूमे नहीं देखे उसको मैं अभी सामने से दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड देख सकते हैं आगे जाम लग गई है, अभी हम लोग जाएंगे। वैसे तो दिल्ली के जाम में जो फंस गया उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है, कोई ना फिर भी ऑफिस तो जाना ही है। तो फ्रेंड मेरे सामने में जो कार दिख रही है ब्लैक कलर की, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा जाम लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा समय लग गया निकलने में। तो अभी हम लोग गाड़ी भगाएंगे, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड चला रहे गाड़ी। तो फ्रेंड मैं हम लोग फिर से जाम में फंस गए हैं, जाम से निकलने के बाद फिर से रेड लाइट, क्या यार क्या हो रहा है हमारे साथ। तो फ्रेंड फिर हम लोग निकल पड़े हैं, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड चलाएंगे गाड़ी क्योंकि जल्दी पहुंचना है। और यहाँ की सड़कें देख सकते कितना अच्छा है, मक्खन के जैसे हैं, थोड़ा सा भी जर्किंग मालूम नहीं पड़ रहा हम लोगों को ये सड़क पे। ये इंटरनेशनल हाईवे है, देख सकते कितना अच्छा व्यू है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। ये जो सामने मंदिर दिख रही है बिल्कुल उसके पास में ही ऑफिस है, तो वो ऑफिस में जाऊंगा। यहाँ से 5 मिनट लगेगा जाने में, तो आप लोग बने रहिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए आपको क्या चीज़ अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो फाइनली हम लोग आप पहुँचने वाले हैं।
जो दिल्ली का आश्रम है उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। किसी के अंदर रहना नहीं है, जब मन करे उस टाइम कर लो। ये तो अपना काम है, जब मन किया तब कर लिया। बहुत लोग बोलते हैं रिस्की होता है, लेकिन हर एक काम तो रिस्की होता है ना, हर काम एक रिस्की। मतलब हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे। हाँ, ये सामने टी पॉइंट पे लोकेशन पे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।